विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति जी को और यहाँ के संस्थापक माननीय बंसल जी को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूँ, सरकार की ओर से भी, कि आप एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। और 3 कैंपस में हमारा विश्वविद्यालय है, लगभग 8000 छात्र छात्राएं इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि जिस गति से विश्वविद्यालय में अच्छा काम हो रहा है, आने वाले 2-4 वर्षों में उत्तराखंड का सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में से एक हमारा ये विश्वविद्यालय हो जाएगा। और इस विश्वविद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी मिल सकता है, बच्चों को जो है किसी भी सब्जेक्ट में जो वो पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं। तो एक हमारा अच्छा विश्वविद्यालय है, मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से उनको बधाई दे रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मैं सभी छात्र छात्राओं को 2 बातें कहता हूँ। पहली तो कहता हूँ कि भाई आप जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं, पहले उसका ये अध्ययन कर लीजिए आपकी इस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमारा भविष्य क्या होगा। दूसरा, मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई अब भारत के बच्चों के साथ, हमारी लड़ाई अब ग्लोबल लड़ाई है और हमको विश्व के छात्रों के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा करनी है। तो हमको अच्छा ज्ञान भी चाहिए, अच्छे संस्कार भी चाहिए और 24 घंटे में से हमको ये तय करना है कि हमको कितने घंटे क्लासरूम में जाने हैं, कितने घंटे खेल में जाने हैं और कितने घंटे जो है अपने ज्ञान वर्धन के लिए लगाने हैं। तो मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप बिना मानसिक दबाव के पढ़ाई करें, क्योंकि जब बच्चा परीक्षा में बैठता है तो तब वो बहुत मानसिक दबाव में रहता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को सबसे पहली बड़ी बात यह है कि उनको जो है मानसिक दबाव में नहीं रहना चाहिए। जो नई शिक्षा नीति हमारी, लाखों लोगों के सुझाव के बाद नई शिक्षा नीति भारतवर्ष में आई है और भारत की संसद ने उसको पास कर दिया है। अब देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इस सत्र से लागू करने जा रहे हैं। इसमें आजकल हम सिलेबस भी बना रहे हैं और सभी विश्वविद्यालयों को हमने ये कह दिया है कि भाई 4 कंपोनेंट अनिवार्य से रखने हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो भारतीय ज्ञान परम्परा आधारित हो, बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा मिले, बच्चे को स्वरोजगार परक पाठ्यक्रमों को जो है चयन करने का अधिकार हो, बच्चे को क्रेडिट बेस्ड शिक्षा मिले और बच्चे को चॉइस बेस्ड शिक्षा मिले। ये 4 बातें हमने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों से कहा है, चाहे वो सरकारी विश्वविद्यालय है चाहे वो प्राइवेट विश्वविद्यालय है। और मैं कह सकता हूँ कि इस जुलाई से हम अपने प्राइमरी एजुकेशन में नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा जो है कोविड के बाद पूरे देश और पूरे विश्व में काफ़ी आगे आई है, लेकिन ऑफलाइन में जो पढ़ाई का मेथड हमारा, क्योंकि हमको टीचर भी चाहिए चाहिए और टीचर और बच्चे का जो आपस में पारस्परिक एक दूसरे को सीखने का जानने का मौका मिलता है वो ऑनलाइन में नहीं मिल सकता है। लेकिन कोविड एक तात्कालिक उस समय की परिस्थितियाँ थी, इसलिए हमने काफ़ी क्लासें ऑनलाइन चलाई हैं, लेकिन सर्वाधिक ज्ञान तो ऑफलाइन में ही मिल सकता है बच्चे को। और मुझे लगता है कि थोड़ा अभी समय लगेगा कि ऑनलाइन जो है ऑफलाइन की जगह ले पाएगा।